Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS and in the class of UPSC CSET 2023. Today we will discuss the previous year questions based on simplification, and in previous year today we will discuss the question asked in CSET 2021. Ab simplification word problem. Ab जब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की, इन दैट केस व्हाट कम्स इन आवर माइंड, वी हैव सम एक्सप्रेशन एंड वी विल सॉल्व दैट एक्सप्रेशन. बट इन सी सेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड. इन सी सेट आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे दे विल बी इन वर्ड फॉर्म. मीन्स यू हैव सम स्टेटमेंट, ओके, एंड यू विल सॉल्व दैट स्टेटमेंट बाय यूजिंग सम अर्थमेटिक, ओके. तो अब जो ये आपको स्टेटमेंट्स मिलती है दीज आर वेरी लॉजिकल, एंड इफ यू आर लॉजिकल इन दैट केस यू कैन इजीली डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और आपको आपके एग्जाम के अंदर मैं कहूंगी आपको 6 to 7 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के हर बार मिलते हैं, ओके. सेम वे वी कैन एक्सपेक्ट दिस टाइम अगेन 6 to 7 क्वेश्चन. तो हमने इस पर प्रैक्टिस करनी है, ओके. तो अभी आज तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है स्क्रीन पे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो टाइप है बेटा, ये 2021 के अंदर आई थी, उससे पहले यस दिस वॉज आस्क्ड इन 2015. दैट मीन्स वट, एक टाइम के बाद में टाइप रिपीट हो रही है. अब जब टाइप्स रिपीट हो रही है दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि आप ये जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं सेम टाइप के क्वेश्चन आपको अगेन मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर. तो आपने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक टाइप पे थोड़ा सा आपने वर्क करना है, उसको समझना है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट पहले पूछा गया था, ओके. तो आप देखो यहाँ पे क्या है, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. After attempting all the 90 questions, a student got total 387 marks. What is the number of incorrect responses? जो incorrect responses हैं वो कितने हैं? अब यहाँ पे देखिए, हम अगर देखें कह रहा कि total 90 question है. Let us say कि जो correct questions हैं, they are X, okay? और incorrect question कितने हो गए फिर? This will be 90 माइनस एक्स. सिंपल. अब बात आ रही कि वो कह रहा है कि जो 5 मार्क्स है वो करेक्ट क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं. अगर एक क्वेश्चन उसका करेक्ट है दैट मीन्स आई विल गेट 5 मार्क्स. इफ आई हैव 2 क्वेश्चंस करेक्ट देन इन दैट केस द टोटल मार्क्स विल बी 10. मीन्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक्स क्वेश्चन कितने मार्क्स? 5x मार्क्स, ओके. अब जो रॉन्ग क्वेश्चन उसके लिए क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है मींस माइनस हो रहा है. कितने मार्क्स? 2 मार्क्स. अब रॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास में कितने इनकरेक्ट, दिस इज 90 माइनस एक्स एंड द स्टूडेंट गोट टोटल 387 मार्क्स, ओके. दैट मींस दिस विल बी 387. यू विल सॉल्व एंड गेट द आंसर. सिंपल, 5x माइनस 180 प्लस 2x माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी 387. 7x इज इक्वल टू 180 विल बी एडिड ओवर हेयर. तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो 180 है वो आपका एड हो जाएगा. सो x विल बी वट, 81. x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 81. दैट मीन्स करेक्ट क्वेश्चन 81, रॉन्ग क्वेश्चन 90 माइनस 81, दैट मीन्स की 9. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप इट इज क्लियर. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. इफ यू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई थिंक सभी कर लेंगे. वैसे भी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने स्पेशली आप लोगों को जो भी टाइप्स बनती हैं वो सभी प्रोवाइड करी है माइक्रोवर्स के अंदर. यस, माइक्रोवर्स के अंदर मैंने सभी प्रोवाइड करी है. अब जो हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की, देन इन दैट केस द क्वेश्चन मे बी इन एनी फॉर्म. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यस दिस इज अगेन द क्वेश्चन आस्क्ड इन सीसेट 2021, बट दिस क्वेश्चन इज ऑफ एवरेज. अब मेरे माइंड में आएंगे, यस दिस इज एवरेज क्वेश्चन. बट यहाँ पे देखो आप, दिस इज लॉजिकल क्वेश्चन. क्या कह रहे हैं, देयर आर 2 क्लासेस ए एंड बी.
having 25 and 30 students respectively. In class A, highest score is 21, highest score is 21 and lowest score is 17. There are two classes A and B. अब ये कह रहा है कि जो highest score गया है वो कितना है 21 and lowest score is 17. Means कि जो range है वो क्या है 21 से 17 की है. In class B, the highest score is 30 and the lowest score is 20. That means कि यहाँ पे जो range है that is 30 to 20. Okay, four students are shifted from A to B. A से B में four students shift हो गए. Now we don't know which four students are shifted. अब ऐसा भी हो सकता है कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा है, दैट मीन्स कि ट्वेस्ट के 21 मार्क्स हैं, वो स्टूडेंट शिफ्ट हो गए, ठीक है. या फिर हम कहें कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 17 हैं वो वाले स्टूडेंट्स शिफ्ट हुए, ओके, या 17 वाले शिफ्ट हुए, कुछ नहीं पता हमें. जस्ट यहाँ पे क्या कह रहा है वो, फोर स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी, ए से बी में शिफ्ट हो रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, सॉरी, दिस इज 22, दिस इज 22, लोवेस्ट स्कोर इज 22. अब यहाँ पे देखो जो टोटल रेंज है यहाँ पे 17 to 21, जी कोई भी स्टूडेंट ए से बी में शिफ्ट हुआ है, इन दैट केस ऑल दीज स्टूडेंट्स हैव द मार्क्स लेस देन द स्टूडेंट्स इन द क्लास बी. बी के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे सबसे कम है. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एवरेज है बी की क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो बी की एवरेज है वो डिक्रीज होगी. और देखिए, अगर हम बात करें ए की, तो ए के अंदर से इफ दिस लोअर, जिनके भी जो स्टूडेंट है जिनके मार्क्स कम है 17 की रेंज में है ना, तो अगर जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है वो शिफ्ट होते हैं, इन दैट केस एवरेज विल इंक्रीज. बट इफ द स्टूडेंट्स हु हैव मार्क्स नियर अबाउट 21, अगर वो शिफ्ट होते हैं, इन दैट केस एवरेज विल डिक्रीज. ओके, दिस इज द कंक्लूजन. अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको. क्वेश्चन में कह रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्कूल क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज. यस, दिस विल डेफिनेटली डिक्रीज बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स शिफ्टेड इन सेक्शन बी, क्लास बी, विल हैव लेस मार्क्स देन द स्टूडेंट्स विच हैव ऑलरेडी इन क्लास बी. ओके, तो ये हमारे पास में डिक्रीज होगा. बट अगर हम देखें द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज. बट हेयर यू कैन सी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्रीजिंग द एवरेज एंड देयर इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द एवरेज. क्लियर? तो अब उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, वन ओनली. ओके, नेक्स्ट देखिएगा. यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है. जरूरी नहीं है कि हाँ, इसलिए जो मैं आप लोगों को कहूँगी कि जो हमारी जो रियल लाइफ है उसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं उसको ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहा है सभी ने, ठीक है. अभी देखो क्या है क्वेश्चन. ए बॉय प्लेज ए बॉल एंड ही ड्रॉप it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain height 4/5. कह रहा है कि जो height है उसकी 4/5 हो जाती है, 4/5 हो जाती है, okay? The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. अगर height 50 centimeter से कम है, in that case ball bounce नहीं करेगी. Excuse me. What is the number of times the ball hit the ground बिफोर बॉल स्टॉप बाउंसिंग. कह रहे कि बॉल बाउंस करना जब बंद करेगी तो उससे पहले कितनी बार ग्राउंड को टच करेगी. सिंपल क्वेश्चन है. अब देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है. ले मान लीजिए मेरे पास में ये बॉल है, ठीक है. अब मैं इसको किया, ठीक है, नीचे गई, ग्राउंड को टच किया, अब वो बाउंस करके फिर ऊपर आई है, ठीक. अब यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम जब मैं उसको बॉल को ड्रॉप कर रही हूँ, इन दैट केस इट विल टच द ग्राउंड ना. मान लीजिए मेरी बॉल यहाँ पे, अब मैंने बॉल को यहाँ पे डाला तो यहाँ पे ग्राउंड से टच करेगी ना, करेगी फर्स्ट टाइम टच करेगी. जब वो यहाँ पे टच किया है उसने फर्स्ट टाइम, उस केस में ये जो हाइट है जिस हाइट से हमने टच को ऊपर से नीचे फेंका है, दिस इज 1.5 मीटर. दैट मीन्स कि 150 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज 150 सेंटीमीटर. अब जब यहाँ पे आई तो उस टाइम पे नेक्स्ट टाइम जब बाउंस होगी वो कितनी हाइट से होगी,
कितनी हाइट पे जाएगी, 4/5 हाइट तक जाएगी। अब 4/5 या तो आपके पास में एक तरीका क्या है कि आप इस तरह से कैलकुलेट करो इसको 4/5, ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आ गया हमारे पास में 120। भाई जब अब ये बाउंस करके जब बॉल यहां से ऊपर गई तो ये 120 की हाइट तक जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, आप डायरेक्टली देखो 4/5 इज इक्वल टू 80%। 80% कैलकुलेट करना इजी है, कैसे, जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक पॉइंट लगा दो, सिंपल। 80 है बेटा, 80 है, दैट मीन्स कि एक जीरो ये आ जाएगी, एक जीरो ये, दो परसेंटेज से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब देखो जैसे यहीं पे 15 8 जा 120, ओके, 80 की जीरो, 150 की जीरो, दोनों जीरोस के साथ में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ओके। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो फिर कैसे करेंगे, अब यहाँ से बॉल फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी, यहाँ से बॉल नीचे आई, ग्राउंड को टच किया, ग्राउंड को टच किया, यहाँ से फिर 2 times। अब नेक्स्ट टाइम देखो फिर 80 12 12 12 8 96, सीधा करो 96 सेंटीमीटर पे जाएगी, 96 नीचे आई, उसके बाद फिर सीधा 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करना आपने के लिए इजी हो गया। तो यहाँ से जब हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो अब यहाँ से बाउंस करके कितना जाएगा, यस दिस विल बी 9 8 72 पॉइंट आ जाएगा, क्लियर, 60 सेंटीमीटर। दैट मीन्स फिर यहाँ से नीचे आई, अब यहाँ पे अभी बाउंस करेगी या नहीं करेगी, बाउंस करेगी, इसने क्या कहा जब 50 सेंटीमीटर तक की हाइट है तब तक वो बाउंस करेगी, दैट मीन्स कि अभी फिर बाउंस करेगी, फिर बाउंस करेगी, बाउंस करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर गई बॉल, तो यहाँ से जब बॉल ऊपर जा रही है तो कहाँ तक पहुँचेगी, अगेन आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 8 जो 64, ओके दिस इज 61.4444 मीन्स फिर नीचे आएगी, अब नीचे आएगी, अब फिर बाउंस करेगी, हाँ जी बाउंस करेगी, ऑब्वियसली बाउंस करेगी क्योंकि ये 50 से कम है, अब यहाँ से फिर गया, यहाँ से फिर बाउंस करेगी, अब कितनी होगी, यस फिर 8 से इसको करो, 8 से जब हम इसको करेंगे कितना आ रहा है, ये हो गया आपके पास में 8 4 जा 32, यस 491, ओके। अब यहाँ से नीचे आएगी, नीचे आ गई हमारे पास में, यहाँ पे टच होगी, अब बाउंस करेगी, बाउंस करेगी, नहीं करेगी। अब उसने यहाँ पे क्या कहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम बॉल्स हिट द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप बाउंसिंग। अब इसके बाद में स्टॉप हो गई, बाद में उससे पहले पहले कितनी बार बॉल ने टच किया, दिस इज 6 times, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब यहाँ पे बताओ आपका कौन सा आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज हो रहा है, कुछ नहीं है, आप इसको कह सकते हो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज, बट दिस इज ए लॉजिकल क्वेश्चन ओनली, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं सी सेट के अंदर, सी सेट के अंदर बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं मिलते, बट द क्वेश्चंस आर लॉजिकल, लॉजिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रॉम जनवरी फर्स्ट 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑन mth डे ऑफ ईयर इज 80.01 m, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, m की वैल्यू 1 to 100 एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मीन्स 100th डे है तब तक तो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चलेगी, उसके बाद में कॉन्स्टेंट होगी, मीन्स फिक्स होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल इन रुपी पर लीटर ऑन nth डे ऑफ 2021 इज 69 + 0.15 एंड फॉर एनी एंड डे, कोई भी एंड डे है उसके साथ में, वट इज द डेट इन द ईयर 2021 वॉज द प्राइस ऑफ टू फ्यूल्स इक्वल, दोनों का जो प्राइस है वो जब इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे सभी की सभी मंथ का जो है यहाँ पे मे गिवन है, तो हम पहले मे तक देखते हैं कि भाई मे के मंथ तक जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने बनेंगे। तो अगर हम देखें दिस इज 2021, तो अगर हम जनवरी की बात करते हैं बेटा, जनवरी 31, फेब 28, मार्च, अप्रैल, मीन्स 30th अप्रैल तक कितना हो गया ये आपके पास में, दिस विल बी 120 डे,
120 डे हो गए पूरे के पूरे, कब 30th अप्रैल तक। अब अगर हम बात करते फर्स्ट मई की, फर्स्ट मई सेकेंड मई, तो अब यहाँ पे उससे पहले थोड़ा सा माइंड में हमने स्ट्रेस क्या डालना है कि भाई यहाँ पे 120 डेज बन रहे हैं, 120 डेज बन रहे हैं, दैट मीन्स कि द डे विल बी मोर देन 100, है ना, 120 से ज़्यादा ही बनेंगे हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पे इतना है। तो उस केस के अंदर आप देखो कि अगर हम बात करते हैं किसकी, पेट्रोल की, तो पेट्रोल का प्राइस कितना होगा, हाँ जी 100 तक 1 M है। अब जब अगर मैं कहती हूँ कि 100 तक कितना हो गया 10, दिस विल बी 90 रुपीज आफ्टर 100, दिस इज 90 रुपीज, 90 रुपीज ही बनेगा हर एक केस में, कितना बन गया आपके पास में 90 रुपीज, फिक्स है 120th डे पे कितना रहेगा 90 रुपीज, ठीक है। फर्स्ट मई को कितना रहेगा 90 रुपीज, हर एक तारीख को मई की जितनी भी डेट है, मई जून जुलाई सभी पे कितना रहेगा 90 रुपीज, ओके। अब हम बात करते हैं डीजल की, डीजल के लिए क्या कह रहे हो, यस डीजल का प्राइस अगर हम देखें तो उसने क्या कहा है, दिस इज 69 प्लस 0.15 एन, एन मीन्स नंबर ऑफ डेज। तो अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या कहा, दोनों का प्राइस क्या होना चाहिए, सेम सेम, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है दिस शुड बी इक्वल टू 90। तो अब इसको 90 के इक्वल अगर हम पुट करें तो वैल्यू क्या आएगी, यस 0.15 है तो इसको हम ऐसे पुट कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे वैल्यू होगी आपके पास में 15 से, दैट मीन्स 3/20 एन इज इक्वल टू व्हाट, इसको यहाँ से हमने माइनस किया, माइनस किया तो वैल्यू आपके पास में ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 21 दिस इज 140 मीन्स 140th डे, 140th डे, 140th डे पे। अब 120th डे जो है वो कब है, दिस इज 30th अप्रैल। अब अप्रैल के बाद क्या शुरू हो जाएगा, मई, फर्स्ट मई सेकेंड मई, दैट मीन्स कि आफ्टर 20 डेज, दैट मीन्स कि क्या हो गया 20th मई, ओके, सो आंसर विल बी 20th मई। हाँ जी बताओ, कोई भी माइनर सा डाउट, सिंपल क्वेश्चन था, हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग सभी ने अप्लाई करना है कि यहाँ पे बेटा 100 के बाद में क्या कह रहा है, वो कॉन्स्टेंट हो रहा है, कॉन्स्टेंट हो रहा है, उसका प्राइस बढ़ नहीं रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यस अगेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीसेट 2021, क्या है, ए बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट ए लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल बी डबल इन साइज एवरी 12 ईयर, हर 12 साल के बाद में डबल हो रही है पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2021 वाज एस्टिमेटेड टू बी 50 एनिमल्स थे, इफ पी प्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द मॉडल ऑफ द क्लास फॉर पॉपुलेशन, यस क्लास का मॉडल आपने बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं, मान लो मेरे पास में पहले 1 एनिमल है, मैं 50 नहीं ले रही, 50 के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, 1 है। अब नेक्स्ट ईयर कितना हो गया, नेक्स्ट 12 ईयर्स के बाद में कितना हो जाएगा आपके पास में डबल, उसके बाद फिर डबल, फिर उसके बाद फिर डबल, फिर उसके बाद फिर डबल, मीन्स हर बार क्या हो रही है, वैल्यू डबल हो रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है, वैल्यूज आप देखो क्या बन रहा है, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये क्या हो गया 2^1, 2^2, 2^ यहाँ पे हमारे पास में 2^3, 2^4 मीन्स कि हर साल क्या हो रही है हमारे पास में, जितने साल बाद का हम चेक कर रहे हैं उतनी ही पावर जा रही है, दैट मीन्स कि अगर हम कहेंगे आफ्टर एन ईयर्स, अगर हम कहेंगे आफ्टर एन ईयर्स, तो आफ्टर एन ईयर्स कितना हो जाएगा 2^n, क्लियर। अब यहां पे जो स्टार्टिंग वैल्यू है दैट इज 50 एनिमल, दैट मीन्स कि 50 × 2^n, क्लियर। अब अगर ये वैल्यू होते हैं कि हाँ जी हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे n, बट यहां पे क्या कह रहा है वो, और एवरी 12 ईयर्स, 12 ईयर्स दैट मीन्स कि वी विल डिवाइड इट बाई 12,
सो पी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 50 इंटू 2 रेज टू पावर एन बाई 12, क्लियर? सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल क्लियर है। देखो बेटा यहाँ पे हम कह रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं इस तरह से कह रही हूँ, हर साल बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, हर साल अगर होता तो हम क्या करते, सिंपल एन लिख देते, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हर 12 साल के बाद बढ़ रही है, हर साल नहीं बढ़ रही, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ओके नेक्स्ट देखो, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन सीसेट 2021, क्या था क्वेश्चन, जय एंड विजय स्पेंट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाई सम पेन एंड स्पेशल पेंसिल्स ऑफ सेम क्वालिटी एंड सेम स्टोर, इफ जय बोट 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स, जय ने कितने खरीदे, 3 पेन एंड 5 पेंसिल्स, एंड विजय बोट 2 पेन्स एंड 7 पेंसिल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब विजय ने कितने खरीदे, दोनों ने सेम अमाउंट पे करी है, क्या कह रहा है, हाँ जी सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी है, सेम मनी अमाउंट, इक्वल मनी उन्होंने स्पेंड किया है, ठीक है, स्पेशल पेंसिल ली है और पेन ली है सेम क्वालिटी के। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि दोनों का प्राइस है, पेन का प्राइस है और पेंसिल का प्राइस है ना, वो दोनों के लिए ही सेम रहेगा ना, पेन एक पेन दोनों के लिए उतने का ही है, पेंसिल भी दोनों के लिए सेम सेम प्राइस के, बिकॉज दोनों के सेम क्वालिटी है। तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इन केस ऑफ विजय दिस विल बी इक्वल टू 2 पेन प्लस 7 पेंसिल्स, अगर मैं पेन को इधर लेके आती हूँ दिस विल बी इक्वल टू 1 पेन इज इक्वल टू पेंसिल को बेटा इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2 पेंसिल, मीन्स वट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वट कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला ए पेंसिल कॉस्ट मोर देन ए पेन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक पेन है वो 2 पेंसिल के इक्वल है, दैट मीन्स द प्राइस ऑफ पेन इज मोर देन पेंसिल, तो पेन जो है दैट इज मोर देन पेंसिल, तो ये जो है हमारे पास में ये रॉन्ग हो गया, द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन एंड हेयर वी कैन सी दैट द प्राइस ऑफ पेन इज डबल ऑफ द प्राइस ऑफ पेंसिल, दैट मीन्स दिस इज अगेन रॉन्ग, द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल एंड हेयर वी कैन सी द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द पेंसिल, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, द प्राइस ऑफ ए पेन इज 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 टाइम्स है तो ये भी रॉन्ग हो गया, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए कोई डाउट, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन दिस इज गुड क्वेश्चन, क्या है, हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए सर्टेन विलेज हैव देयर ऑन हाउसेस। अब यहाँ पे आपके पास में कुछ डेफिनेट स्टेटमेंट्स गिवन है, क्या कह रहे हैं कि हाफ के पास में क्या है, अपने घर है, 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी, 1/5 पैडी कल्टिवेट करते हैं, 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 एज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर्टेनली करेक्ट। तो अब जो भी आपके पास में स्टेटमेंट गिवन है पहले हमने क्या करना उसको अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन करेंगे, क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द विलेजर्स, अब हमें नहीं पता कि जो विलेजर्स हैं वो कितने, बट वी शुड नो कि जो टोटल वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 100% इन केस ऑफ परसेंटेज, ओके, और अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन में दैन दिस इज इक्वल टू 1, ओके, तो एक तो तरीका ये हो गया बेटा हम क्या करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं कि टोटल इज इक्वल टू 1 तो हाफ हाफ ले लो, दूसरा अगर मैं परसेंटेज में लूँ तो 100 आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा मैं अज्यूम कर सकते हैं कि यस टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 100, टोटल पॉपुलेशन इज 100, ओके। अब देखो फर्स्ट केस में उसने क्या कहा, 100 है, हाफ ऑफ द विलेजर हैव देयर ऑन हाउसेस कितने हैं, हाफ, दैट मीन्स कि 50 नॉट हैव हाउसेस हो गए 50। दूसरी स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टीवेट पैडी, 1/5 कल्टीवेट पैडी नॉट कल्टीवेट पैडी, 1/5 दैट मींस व्हाट, यस दिस इज 20। उसके बाद क्या कह रहा, 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर इलिटरेट, सॉरी लिटरेट, लिटरेट कितने हैं, 1/3 दैट मींस कि 33,
पॉइंट थ्री हो गया, तो पॉइंट तो रहने दो, आप सीधा यहाँ पे 33 ले सकते हो, ओके। और अगर हम बात करते हैं इलिटरेट की, तो वो कितने हो गए हमारे पास में 67। डन। फोर्थ क्या करा, फोर फिफ्थ ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर्स, लेस देन 25 ईयर्स कितने हैं, यस फोर फिफ्थ, वन फिफ्थ इज इक्वल टू 20, फोर फिफ्थ इज इक्वल टू 80, एंड मोर देन 25 दिस इज 20। ये हमारे पास में कंक्लूजन निकला है कुछ। अब हम आते हैं कि इसने क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन, ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज आर लिटरेट। अब क्या कह रहा है, ऑल द विलेजर्स हु हैज देयर ओन हाउसेज, अब देखो ओन हाउसेज वाले कितने 50। अब क्या कह रहे हैं, क्या है लिटरेट है, लिटरेट मीन्स 50 से ज्यादा होने चाहिए, लिटरेट हम देख रहे हैं दीज आर ओनली 33, तो सारे 50 तो लिटरेट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते फैक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में रॉन्ग हो गया। सम विलेजर्स अंडर 25 ऑफ एज आर इलिटरेट। अब सम मीन्स कुछ, सम दैट मीन्स कि देयर कैन बी वन, देयर कैन बी टू, देयर कैन बी थ्री, मीन्स कितने भी हो सकते हैं आपके पास में, सम का है उसने, है ना। तो अंडर 25 के कितने हैं, 80 लोग हैं, ठीक है। एज आर लिटरेट, और लिटरेट कितने हैं हमारे पास में 33, दैट मीन्स कि जो 25 की एज के हैं उसमें से 33 जो है वो क्या कह रहा है कि हो सकते हैं। अब देयर इज पॉसिबिलिटी कि हाँ पूरे के पूरे जो 33 है वो ये वाले लोग हैं, अगर हम मैक्सिमम कंसीडर करके चलते हैं तो सारे के सारे ये भी हो सकते हैं, बट अगर हम कहें नहीं 20 तो दूसरे वाले, तो भी 13 तो निकल के आएंगे ना जो क्या हैं लिटरेट हैं, 30 तो मिनिमम होंगे। और यहाँ पे उसने क्या कहा, सम मीन्स चाहे वन हो चाहे 13 हो, सो दिस विल बी करेक्ट, ओके। बाकी ऑप्शंस भी एक बार मैं आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे बता देती हूँ। क्या कह रहा है, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट, ओनली हाफ ऑफ द, कह रहा सिर्फ आधे ही हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें हु कल्टिवेट पैडी, दैट मीन्स कि 10 है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 जो है वो लिटरेट है, अब लिटरेट कितने हैं 33, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो 10 है ना वो सारे के सारे लिटरेट हैं, या 33 है 30 में 3 में से, ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 लिटरेट हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 33 के अंदर से जो हमारे पास में जो पैडी कल्टिवेट कर रहे हैं वो 12 हो, सो दिस इज नॉट कन्फर्म, सो दिस विल बी रॉन्ग। नो विलेज अंडर 25 ईयर एज हैज देयर ओन हाउसेज, कह रहे कि जो भी 25 ईयर से कम का उनका किसी का भी घर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हाँ जी यहाँ पे हम देखें जो भी विलेजर्स हैं 25 ईयर से, अंडर 25 ईयर दे आर 80, और उसमें से हम देख रहे हैं कि टोटल 80 हैं, बट 50 लोगों के पास में घर हैं, 50 लोगों के पास में घर है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे अपने पास में, हाँ जी यहाँ पे अपने पास में मैक्सिमम और मिनिमम अगर हम दोनों कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे अगर इन सारे के सारे 50 के पास है भी घर हो सकता है, ठीक है। और अगर हम कहें नहीं कि 50 जो ये दूसरे वाले हैं तो 30 के पास तो होगा ही होगा, क्योंकि जो यहाँ पे उसने क्या कहा है 80 के पास 50 के पास घर नहीं है, दैट मीन्स कि 30 के पास तो है ही है, तो 30 के पास तो होगा ही होगा। और ये क्या कह रहे हैं, नो विलेजर्स, सो दिस विल अगेन रॉन्ग, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। हाँ जी कोई माइनर सा डाउट किसी को भी, आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब जो भी स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बेटा देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अभिपीडिया के माइक्रोवर्सेस हैं, अभिमन्यु का ऑनलाइन पोर्टल है अभिपीडिया, एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू माइक्रोवर्सेस टू प्रिपेयर ए स्पेशल टॉपिक, ओके। तो अब यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे देखिए, कैसे लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, अभी मैं ओपन करती हूँ लिंक यहाँ से। Here you can see the page of micro courses, microverses, both are same thing. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, yes, math, logical reasoning and English. अब हमें prepare करना है बेटा simplification. So you will go here, maths, and in maths, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी important topics with percentage given है यहाँ पे कि हाँ जी जो जो topic important है वो भी आप लोगों को clear हो जाए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं number system सबसे ज़्यादा आता है exam में, 21.81%, you can take it. But now we are talking about simplification. Here this is the part, simplification, okay? अब जब हम बात करते हैं बेटा simplification की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो there are three class lectures,
यस देर आर थ्री क्लास वीडियो लेक्चर्स इन विच वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके हर एक टाइप को हमने डिस्कस किया है. दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास में 119 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए. यू कैन टेक 3 मिनट्स फ्री ट्रायल आल्सो. अब यहाँ से जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे देखोगे कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपका जो माइंड है वो उसी डायरेक्शन के अंदर वर्क करना शुरू कर देता है. और हेयर यू कैन सी दिस दिस इज ओनली ऑन 63 एंड दिस इज ओनली ऑन 40 रुपीज़. ओके अब आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप चाहते हो कि नहीं पहले मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स लूँ, यू कैन टेक इट, आप इसको रिमूव कर दीजिए. अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे दोनों चाहिए, आप दोनों रख लीजिए. ओके तो इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन के माइक्रो वर्सेस से इसको प्रिपेयर कर सकते हो. और आई थिंक कि हमें करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन के अंदर थोड़ा वर्क करना शुरू कर देगा. ओके सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे. यस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ. सो बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए अभिपीडिया के साथ.